महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रमुख रामदास अठावले ने नई सरकार में उनकी पार्टी को 2 मंत्री पद दिए जाने की मांग उठा दी है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के गुरुवार को आए नतीजों में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने 161 सीटों पर कब्जा करते हुए दोबारा सत्ता में वापसी की। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले से हमारे रांची ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, ये देखिए। आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जो केंद्र में मंत्री भी हैं हमारे साथ है। R90B पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अठावले साहब, आपसे जानना चाहूंगा, महाराष्ट्र में आपको उतनी अपेक्षित सफलता एनडीए गठबंधन को नहीं मिली, क्या कारण है? नहीं, एनडीए को इतनी सफलता नहीं मिली, इसका कारण ये है कि वहाँ रिबेल की संख्या बहुत ज्यादा रही, 50-60 जगह पर रिबेल खड़े रहे। लेकिन दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम बीजेपी अकेली लड़ी थी और तब बीजेपी कम से कम 250 सीट लड़े थे और उसमें उनको 122 सीट में मिली थी। ये बताइए कि आपकी पार्टी ने कुल कितनी सीट जीती और आपकी डिमांड क्या है मंत्रिमंडल में? हाँ, तो हमारी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, उसमें से हमारी पार्टी को 2 सीटें मिली है। और रिपब्लिकन पार्टी की मांग ये है कि ये मंत्रिमंडल में आरपीआई को कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। फिलहाल अभी ये मंत्रिमंडल में हमारा आरपीआई का एक राज्य मंत्री है, सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का। तो इसी तरह हमारी मांग है कि भाई एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद हमको मिलना चाहिए, उसके साथ साथ हमको 2 MLC मिलना चाहिए, 4 महामंडल के जो चेयरमैन पद है ये मिलना चाहिए जिसको राज्य मंत्री पद का दर्जा होगा, और हर महामंडल में एक आरपीआई के कार्यकर्ता को वहाँ लेना चाहिए। इसी तरह का चर्चा मुख्यमंत्री जी हो चुकी है और इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता की अच्छी भागीदारी मिलेगी और केंद्र में भी मतलब वो वहाँ मतलब जो महामंडल है केंद्र का वो भी कुछ लोगों को मिलेगा, ऐसा हमको आश्वासन दे दिया है। अच्छा, अंतिम सवाल ये बताइए, मुख्यमंत्री कौन? और ये भी चर्चा सामने आ रही है कि 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा तो होगा नहीं, जिनकी सीटें ज्यादा है उनका मुख्यमंत्री होगा और डिप्यूटी CM पर चर्चा हो सकती है, शिवसेना का डिप्यूटी CM हो सकता है, तो उस पर उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। रामदास अठावले जी का कहना है कि महाराष्ट्र में इनकी पार्टी को 2 सीट मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री, और साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही रहना चाहिए, तभी महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R90B रांची।